हाय गाइस, जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम, हमने ये पैटर्न हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। तो अभी ये कमांडिंग वाला पार्ट है, जैसे आप यहाँ पे ड्रॉ करके देख रहे हो, तो ड्रॉ पे कैसा आप काम कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मटेरियल एटवुट, ये जस्ट मैं एक पैटर्न डाल के भी दिखाता हूँ आपके यहाँ पे। जैसे मैं ब्रेक कनेक्शन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मैंने एक पैटर्न निकाला, आपको अगर लगे कि भाई मुझे एक पैटर्न भी यूज़ करना है, तो मैंने एक पैटर्न निकाला है, ठीक है। छोटा सा पैटर्न है, आप सर्च करोगे गूगल पर तो मिल जाएगा। तो इसको सिंपल सा हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, हमने ओपन किया फोटोशॉप में, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल डी डिसलेक्ट कर दिया, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक करा आप यहाँ पे, एडिट पे गए, एंड यहाँ पे क्या होगा, डिफाइन पैटर्न, डिफाइन पैटर्न भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये कर दिया हमने यहाँ पे, इस पे गए हम लोग यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मैंने क्या किया, सिंपल सा पार्ट, यहाँ पे एक पैटर्न लिया, और पैटर्न लेके मैं यहाँ पे चूहे को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। पैटर्न लिया, पैटर्न के साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ, और पैटर्न को यहाँ पे जैसे इसको मैं डिलीट करता हूँ, पहले मैंने किया था इसमें, और इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट क्लिक एंड क्लिपिंग मास्क, ये पैटर्न आपको यहाँ पे देखेगा, ठीक है। इसको मैंने ऑफ कर दिया। देखो अगर यूवी आपको सही है तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। फाइल सेव एज, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जिप पैक, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो मेरे यहाँ पे शर्ट टेक्सचर है, तो मैंने यहाँ पे वन ऑप्शन लेके दिया, भाई मुझे यहाँ पे अगर काम करना है तो ऐसे भी काम करके दिखा सकते हो। यहाँ पे माया में गए, यहाँ पे मैंने देखा सेलेक्ट राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, तो आप यहाँ से भी मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। तो दो तीन टेक्निक मैंने आपको शेयर किया गया, आप दोनों तीनों टेक्निक से आप चीज़ों को कैसे मैनेज करो। देखो यहाँ पे एक ये भी पैटर्न है और एक ये भी पैटर्न है, दोनों ही आपका ये हैंड पेंटेड है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेंट और प्रॉपर करना पड़ेगा। एक रफली मैंने आपको दिखाया, दूसरा पैटर्न मैंने यहाँ पे दिखाया। आप टेक्सचर को लेकर चलो, टेक्सचर का इम्पैक्ट ऑटोमेटिक उससे बेटर आएगा, क्योंकि पेंटिंग आर्टिस्ट में आपको जब पेंट करो तो आपको वहाँ पर टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो देखो ये आपका शर्ट का पार्ट हो जाएगा, तो शर्ट का आपका यहाँ पर हर जगह जहाँ पर सीम है वहाँ पर वो चीज़ें ऑटोमेटिक आपको देखेगा, यहाँ पर चीज़ों को ऐसे ही मैनेज कर सकते हो। जीवस के अंदर मैंने तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ आइडिया भी दिया मैंने, जैसे देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ मैंने दिखाया, देखो यहाँ पे कुछ ब्रशेज हैं यहाँ पे, ये अगर आप चाहोगे ना जैसे कुछ डिटेल, ये ब्रशेज भी मैंने यहाँ पे दिखाए कि आप ब्रशेज को आप कैसे यूज़ करके दे रहे हो। आप इसे लेके जाओ जीवस में, जीवस में जाकर आप यहाँ पे दिखाओगे तो आपके यहाँ पे पैटर्न भी देखेंगे, ठीक है। तो कुछ ब्रशेज हैं, ये मैं लिंक में डाल दूंगा भाई, ब्रशेज आपको कैसे यूज़ करना है, ब्रशेज का पूरा पैटर्न भी बताया कि भाई आप ब्रशेज को आप यूज़ कर रहे हो तो आप किस टाइप से चीज़ को मैनेज करोगे, तो कॉर्नर का डिटेल कैसा आएगा। अलग अलग ब्रशेज भी हैं, जैसे यहाँ पे ये इसका ब्रशेज है, यहाँ पे स्टिचेस के ब्रशेज हैं, ये सब चीज़ भी मैंने बताया। तो फिलहाल हम लोग इसे माया में करें, तो हमने एक पैटर्न यहाँ पे दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे करो, डिस्प्ले एंड सो एंड ऑल, ठीक है। ये पैटर्न मुझे देखेगा यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने टेक्सचर डाल दिया। अभी इसके अंदर मुझे बम्प चाहिए, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। हमने बम्प को बेक किया था, ठीक है। तो फाइल पे गए, एक बार उठा के देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे जो हमने बेक किया है यहाँ पे, तो ये पैटर्न है मेरे पास यहाँ पे, मैं गया यहाँ पे, ठीक है। तो शर्ट बम्प आपके पास है क्या यहाँ पे, यहाँ पे क्लॉथ टेक्सचर दे रखा ना यहाँ पे, ये हमने मैनेज किया था, हमने कहा बेक करके देख लेते हैं। देखो तो बेकिंग में बस यहाँ पे चीज आएंगे, तो यहाँ पे चीज कैसे नजर आएगी, ये स्टेप साइज नजर आएंगे। तो ये भी एक पैटर्न है, आप इसे बेक करके आप उठा के देख सकते हो आप यहाँ पे, सेम प्रोसेस के पहले वाले पार्ट में मैंने डाला था कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये जैसे मैंने कॉल कर दिया, देखो आपका बम्प भी देखेगा आप यहाँ पे। अभी देखो मैंने यहाँ पे दो टेक्निक अलग अलग यूज़ किए हैं। कई लोग क्या करते हैं, एक ही चीज़ों को डिसेचुएट करके, जैसे यहाँ पे देखो अगर मैं फोटोशॉप में गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो मैंने मैप बनाया है, एक प्रोसेस ये भी है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे गए और ह्यू एंड सैचुरेशन सैचुएट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से भी आप काम कर लेते, ये भी आपका बम बन जाता है। एक पैटर्न ये है, ठीक है। मैं इस पैटर्न को यूज़ नहीं कर रहा, ये मैंने पैटर्न बाकी और ट्यूटोरियल में मैंने बता रखा है, उसमें आपका क्रॉस चेक कर लेना। दूसरी टेक्निक मैं आपको यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ, जैसे देखो यहाँ बम्प दिया, बम्प का नंबर देता हूँ 0.01। यहाँ देखो अगर आप यहाँ पे जाके देखो, देखो तो आपके यहाँ पे इसके अंदर डेप्थ आपको अलग दिखेगा आपके यहाँ पे, ये आपका डेप्थ वाला पार्ट आप यहाँ पे जो कैसे मैनेज करके देख सकते हो। अभी 10 में 20 में या 50 में आप देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे, देखो आप। तो मैं कहा नहीं, दिस इज़ गुड फॉर लाइक 20 में अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो आप देखो ये पैटर्न आपको देखेगा आपके यहाँ पे। तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो कि आपका एक पूरा टेक्सचर हो गया, पैटर्न हो गया, हमने बम्प इसे अलग से ऐड ऑन कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास था, अभी जैसे मैंने बताया कि भाई मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को मैंने मैनेज किया, ठीक है। तो अभी यहाँ देखो, यहाँ पैटर्न है,
दिस वन एंड दिस वन दोनों एक साथ हैं, हम लोगों ने इसका एक पैटर्न ले रखा है। अभी जैसे मेरे पास सीमलेस टेक्सचर है यहाँ पे, अभी यहाँ से जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो मैं पे चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर लूँगा। जैसे मैंने पे एक यूवी स्नैपशॉट लिया तो यूवी स्नैपशॉट से मेरे को आइडिया मिल जाएगा मेरे पास यहाँ पे मेरे पास जीन्स का पैटर्न कितना है। जैसे देख रहे हो आप यहाँ पे शर्ट वाला पैटर्न आपका यहाँ पे आ चुका है, जीन्स वाला पैटर्न है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे 2K का साइज़ है मेरे पास यहाँ पे, ये मैंने दिखाया भाई मेरे पास ये इमेजेस कहाँ से होना चाहिए। मैंने कहा मुझे इसमें चाहिए तो मैंने एड्रेस को कॉपी कर दिया और मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी देन एंटर। यहाँ से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो क्लॉथ सी लो क्लॉथ यूवी करके आप सेव कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके अप्लाई एंड क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पे, देन आप यहाँ पे देखोगे तो क्लॉथ यूवी क्लॉथ क्लॉथ यूवी है। देखो अब ये मुझे जो फॉर्मेट चाहिए मैं चाहता हूँ मुझे JPG फॉर्मेट चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या फॉर्मेट को मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे JPG मैंने कर दिया तो JPG भी करके दे सकता हूँ यहाँ पे। अप्लाई एंड क्लोज कर दें यहाँ पे तो शायद आपको यहाँ पे भी आ गया ओपन विद आपके फोटोशॉप पे। ठीक है इसको सेलेक्ट कर दिया वी एंड शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक। ठीक है ये पैटर्न आपके पास आपका यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए मुझे देखो अभी आप सिलेक्शन करके काम करना चाहते हो सिलेक्शन करके काम कर लो यहाँ पे। ठीक है ये हमने सबसे ऊपर ही रखना है तो यू वी है मेरे पास यहाँ पे, अनवांटेड चीज़ों को मैंने यहाँ पे फिलहाल में जब मैंने कुछ ऐसे आरएनडी कर रखे थे तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है मेरे पास यू वी है यू वी को कर दो आप लॉक। ठीक है लॉक कर सकते हो। इससे पहले मैं इनका जैसे मेरे पास क्लॉथ का जो पैटर्न है मैंने यहाँ पे देखा है मुझे इसको कंट्रोल जे करना है तो कंट्रोल जे में देखो ये उल्टा आ गया यहाँ पे मैंने उल्टा ही लिया। देखो कंट्रोल एंड क्लिक करना है पे कंट्रोल डी एंड ऑल्ट एंड क्लिक करते हैं। देखो ऑल्ट एंड यहाँ पे सिंपल सा पार्ट ये ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक। अभी इस वाले पैटर्न पर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए मैं यहाँ पे कलर सिलेक्शन ले लेता हूँ पे दिस वन प्लस में गए दिस वन दिस वन दिस वन ये मेरे जींस का पैटर्न है यहाँ पे। ध्यान से देखो मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ पे। ठीक है देख रहे इनको मैंने सेलेक्ट कर दिया ताकि मैं बस यहाँ पे एक कलर में डाल सकूँ। एक पैटर्न मैंने ये भी दिया यहाँ से मैंने एक कलर डाल दिया भाई मेरे पास एक कलर चाहिए तो मैंने कलर यहाँ पे फुलफिल कर दिया पे। ठीक है ये कुछ छूट गया क्या ये देखो यहाँ पे मैं गया और यहाँ से मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज भी कर दिया। ओके यहाँ पे ये दिया यहाँ पे इसमें मैंने कलर डाल दिया पे। ठीक है कलर डालने में कोई दिक्कत नहीं है तो एक्स्ट्रा ही लेके चलेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे काम किया मुझे यहाँ पे क्या चाहिए जैसे मैंने जीन्स का टेक्स्चर मैंने निकाला था लास्ट टाइम ओपन विद कर देते हैं ओपन विद यहाँ पे गए फोटोशॉप। ठीक है सेम चीज़ यहाँ पे अनलॉक किया आपने यहाँ पे। ठीक है कंट्रोल एंड एफ क्लिक यहाँ पे आप कर दो एडिट एंड डिफाइन पैटर्न। ठीक है डिफाइन पैटर्न कर दिया मैंने यहाँ पे यहाँ से मैं गया इस पे आ गया पे। ठीक है इस पे चलते हैं यहाँ पे यहाँ से मैंने कर दिया जीन्स। ठीक है जीन्स कर दिया मैंने यहाँ पे यहाँ से मैंने क्या कर दिया ऊपर लिया मैंने पैटर्न पैटर्न पे जाके मैं क्या करता हूँ सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे और देन इसको मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है अभी देखो मैंने पैटर्न जो लिया पैटर्न बस ऑटोमेटिक इतना ही बड़ा आ रहा है देखिए यहाँ पे बहुत छोटा नहीं है जो मेरे पास यहाँ पे दिखेगा बहुत बहुत मोटे मोटे दिखेंगे यहाँ पे। तो मेरे पास जो साइज़ है इसका या तो मैं इसको बहुत छोटा कर लूँ जैसे ये देखो ये साइज़ देखना है अभी या तो इस वाले साइज़ में लेकर था जैसे इसकी साइज़ कितनी है इमेज साइज़ पे गए यहाँ पे हमने कितना देखो अगर देखो कि सेंटीमीटर में ही है ना सेंटीमीटर में तो आप सेंटीमीटर में देखो या मिलीमीटर में देखो इतने इतना पार्ट है। ठीक है अभी मैंने जो जीन्स का लिया तो मैं उसको टेक्स्चर को छोटा करूँगा या मैं उसकी स्केलिंग को छोटा करूँगा यहाँ पे। ठीक है तो मैंने यहाँ पे क्या किया ओके जींस टेक्सचर मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल डी वी प्रेस कर दिया शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत कितने इतने बड़े बड़े दिखने वाले हैं यहाँ पे ये पैटर्न है हमें जो हमें समझना है। इसको देखो यहाँ पे मैं अगर बहुत छोटा कर लूँ जिसको मुझे लगता है कि भाई मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल डी है कंट्रोल टी करो देख रहे हैं यहाँ पे तो अभी इसको मैं जाके ऐसे भी छोटा कर सकता हूँ। तो ये प्रोसेस है या तो आप चाहो तो उसको भी आप छोटे साइज में मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे देखना पे। अब यहाँ पे देखना ये पैटर्न मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ पे कितना 12 है 12 पे करके देख लेते हैं एक बार यहाँ पे या जो ये प्रोसेस है मैं इसको भी इसका कंट्रोल टी करके यहाँ से मैंने इसको स्केलिंग इतना छोटा कर दिया और आप इसे क्रॉप कर सकते हो आप यहाँ पे। क्या पता आपका होगी मेरे को तो वो साइज मिला नहीं तो सी प्रेस करो सी प्रेस करके आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हो। ठीक है क्रॉप कर सकते हो अदरवाइज कंट्रोल एन क्लिक कर दिया कंट्रोल सी कंट्रोल एन एंड कंट्रोल वी ये भी प्रोसेस है जो अच्छा लगे जैसे ये दिखा यहाँ पे तो ये पैटर्न मैंने दिया उसमें मेरे पास वो पैटर्न आ रहा था तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो तो आपने यहाँ पे भी कर दोगे तो कंट्रोल एन क्लिक कर दिया आपने देखना यहाँ पे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ये सेलेक्ट किया एडिट में गए डिफाइन पैटर्न कर दिया यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे एडिट
एंड डिफाइन ब्रश पैटर्न के डिलीट कर देता हूँ पे, ठीक है कमिंग मॉर्निंग, ठीक है एक बार लेके चलता हूँ पे, एडिट में गया एंड डिफाइन पैटर्न 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 एक्टिव नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, ब्रशेज देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई हुआ क्या यहाँ पे। ये तो मेरे पास पार्ट था यहाँ पे, ओके चलो ये पैटर्न हमने दिया, अब ये कुछ ऐसा पैटर्न आया तो मैं यहाँ पे भी काम कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे जस्ट क्लिक करते हो, अगर वो वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा तो आप यहाँ से स्केलिंग भी कर सकते हो, स्केलिंग करते आपने 10 तो आप यहाँ पे भी आप करके देखो तो आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। मेन चीज़ है आपका जीन्स है, राइट क्लिक एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो एक पैटर्न ये भी है, देखो यहाँ पर कितना बड़ा दिख रहा है, देखना अभी ये पैटर्न अभी छोटा तो ठीक है, दिस इज़ गुड, ठीक है इतने पैटर्न के साथ मैं काम कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये मैं ऑफ कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्लॉथ वाले पैटर्न में को दिख जाएंगे। तो ये बेसिक से आपको क्लॉथ का एक जो टेक्सचर आएगा वो आपको ऐसे मिल जाएगा अगर आप इस पर काम करो। फाइल सेव एज, ठीक है एंड यहाँ पे हमने कर दिया जेपैक, तो आप यहाँ से चीज़ों को मैनेज कर दोगे। सिंपल क्लॉथ टेक्सचर कर सकते हो आप यहाँ पे, क्लॉथ टेक्सचर मैंने एज ए जेपैक, यहाँ पे देखना एक बार यहाँ पे देखना क्लॉथ टेक्सचर में ये ना चला है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, शर्ट एंड पैंट टेक्सचर कर देता हूँ, तो SHIRT यहाँ पे देख रहे हैं, नहीं मैंने यहाँ पे टाइप किया SHIRT शर्ट एंड पैंट PAINT पैंट, ठीक है आप यहाँ पे JPG या TG लेना, JPG फॉर्मेलिटीज के लिए बता रहा हूँ ताकि देखिए आपको आपको TGTIFF टार का ही लेना है ताकि क्वालिटी ख़राब ना हो, स्टूडियो में ज़्यादातर वही यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट यहाँ पे जो दे रखा है यहाँ पे, अपने शेडर का नाम चेंज कर दूँगा यहाँ पे मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है यहाँ पे शर्ट दे रखा है तो शर्ट के साथ यहाँ पे मैं चीज़ को मैनेज करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया यहाँ पे शर्ट एंड पैंट, ठीक है तो यहाँ पे मुझे इस पर यही शेडर असाइन करना पड़ेगा अगर मैंने अलग कर रखा है तो, ठीक है तो शर्ट दे देगा हमें राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट ये आपका आ जाएगा, हमें शर्ट अंडरस्कोर PAINT पैंट कर दोगे आप यहाँ पे तो भी काम चल जाएगा। तो ये पैटर्न आपको देखेगा आपको देखो, ठीक है अब इसमें क्या है? अगर देखोगे तो इसमें कोई कुछ है ही नहीं, जैसे मतलब जीन्स होता था, जीन्स के अंदर आपके आगे के वो होते हैं जिप होता है, साइड के स्टिचेस होते हैं तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमने चीज़ों को रखा है, कटिंग वाला पार्ट हमने यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो। सेम चीज़ जैसे मैंने आपको बताया ना कि जीन्स के पैटर्न के लिए भी आपको स्टिचेज आपको पेंट करना पड़ते हैं तो वो सब चीज़ आपको उठा के डालोगे तो ये आपका काम बेटर देखेगा। स्विफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे तो चीज़ें आपको ऐसे भी देखने वाली हैं, देख रहे हैं तो स्मूथ के साथ आप मैनेज करोगे तो बेसिक एक पैटर्न आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक पैटर्न में बस यहाँ पे ऐसा है तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। जो मैंने यूवीज भी जो लिया था इसमें आपको एक बार याद हो, ठीक है तो यहाँ से मैं पैटर्न ऑफ कर देता हूँ। ये एक बटन का यूवी भी था जिसको हमने शायद अभी नहीं लिया तो मैं बटन के लिए भी काम कर ही दूंगा यहाँ पे। स्नैपशॉट जो लिया सबको, अभी देखो ये सब चीज़ हम लोग करने के लिए क्या कर रहे हैं, जैसे मैं सबको मैंने जोड़ रखा है अलग अलग पैटर्न देने के साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है चीज़ों को मैं ऐसे मैनेज कर पाऊंगा यहाँ पे। जैसे ये पार्ट दिख रहा है अभी, जैसे मैंने सबको स्मूथ कर रखा तो मैं फिलहाल मैं क्या कर सकता हूँ, ये यहाँ पे क्या अलग अलग स्मूथ लगाने से बेटर क्या है, जीरो कर दिया मैंने यहाँ पे, इस पे गए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया स्मूथ है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया जीरो कर दिया मैंने, ठीक है अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ। इज इट पॉसिबल, ये मैंने कंबाइन किया, इसके बाद मेरे पास बटन्स भी हैं है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इन सभी को लेके, ठीक है मैं शिफ्ट एंड कंबाइन कर देता हूँ, शिफ्ट एंड कंबाइन कंबाइन एडिट डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है एंड शिफ्ट एंड स्मूथ अगर कर दूँ तो मेरे यहाँ पे काम हो जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है अब ये मैंने कर दिया। देखो स्मूथ से पहले यूवीज निकालो तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ मेरे पास यहाँ पे ऐसा हुआ है, देखो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे अंडो किया मैंने यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे किया देखो किसी का यूवी मेरे पास यहाँ पर अटक रहा है, और किसका यूवी ये क्रॉस चेक कर लो आप यहाँ पे यूवीज पे गए टू फेसेस 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो ये कहाँ का ये वाला पार्ट है 4 एंड 5, ये देखो ये किसका पैटर्न है, ये इसी का पैटर्न, ये सबका पैटर्न यहाँ पे, ये सभी का रह गया जो मेरे पास कहूँ ना यहाँ पे, तो इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास यहाँ पे जितने भी पार्ट हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अगर देखो यहाँ पे सेपरेट कर दिया मैंने यहाँ पे इन सबों को मैंने पकड़ के H4 height यहाँ देखना यहाँ पे एक पैटर्न को जो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर ही रखा है यहाँ पे, देखो इसके अंदर मेरे सब कुछ है तो मैंने यहाँ पे सब कब का ट्रांसफर कर ही दिया है मैंने यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है, इसको मैं हाइट कर देता हूँ H4 height H4 height ठीक है यहाँ पे दिस वन किसका छोटा हुआ है, ये इसका छोटा हुआ है यहाँ पे, ये ट्रांसफर करना रह गया है, देख लो आप यहाँ पे ये पैटर्न
ये भी ट्रांसफ़र करना रह गया, आप इन पैटर्न को आप चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो अपने आप। तो जो ट्रांसफ़र नहीं हुए इनको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे एक बार रिपीट कर देना यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको आपने यहाँ पे प्रेस कर दिया जी, यहाँ से प्रेस कर दिया जी, एंड देन दिस इज कॉल जी, दिस इज कॉल जी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया। अब यहाँ से इसको मैं मेस में गए, ट्रांसफर एट्रीब्यूट में गए, ट्रांसफर एट्रीब्यूट में जाके हमने यहाँ पे कंपोनेंट पे जाके अप्लाई कर दिया, और ये सब कुछ ट्रांसफर कर लेंगे पहले से। इसको सेलेक्ट कर दिया, देखो यहाँ पे देखें, अब ये दिस वन एंड दिस वन अप्लाई किया, ये उल्टा हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर देना, इसको मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया, अप्लाई, ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस चेक कर लेना कोई चीज़ ख़राब ना हो। तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, एंड देन इसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे ठीक है। देख रहे हैं कुछ चीज़ स्ट्रेच हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान देना क्या, यहाँ तक ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें यहाँ पे चाहिए, इसमें ख़राब हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको मैं एक बार यूवीज में ऑटोमेटिक कर दूंगा, ध्यान देना। कभी ऐसी चीज़ आती है जहाँ पे मैं चीज़ों को देखता हूँ यहाँ पे बहुत में, बस जो बेटर नहीं होता तो मैं ऐसे भी करके यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके दूंगा। तो मैं यहाँ पे चाहिए अभी देखो, बहुत बेटर नहीं हो रहा था, एक मैं ऑप्शन नहीं भी होगा कि मैं इस मॉडल को यहाँ पे मैंने किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। दिस वन एंड ये कंबाइन नहीं है क्या, शिफ्ट एंड कंबाइन, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन अप्लाई। बहुत मज़ेदार नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है अगर यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी हैं जब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता तो इसको इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन अप्लाई, अभी ये ठीक हो गया। देखो तो इसको सेलेक्ट करके इस पर करके देखो, तो शायद अप्लाई करो, नहीं आ रहा, ठीक है। ये देख दो लोग परेशान करने वाले हो आ जाते हैं यहाँ पे, तो अप्लाई देखना अभी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो ऐसा दिक्कत देने वाली है। तो मैं आई सजेस्ट डुप्लीकेट हो गया तो कुछ अच्छे से ट्रांसफर कर, जो नहीं हुए उनके लिए मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं एज इट इज़ इनका डुप्लीकेट करके ही लगा लूँगा। तो एक ऑप्शन में बस ये भी आएगा, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखना अभी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया, देखो एक और ऑप्शन बताता हूँ, कंट्रोल डी कर दिया, इसके अकॉर्डिंग मैं इसको अलाइन कर दूँगा यहाँ पे, समझना क्या, टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे। इसको मैंने एक और कंट्रोल डी कर रखा है यहाँ पे, देखो इसके अकॉर्डिंग ये अलाइन कर दूँगा, और कंट्रोल डी कर दिया मैंने, इसको और ये अलाइन कर दूंगा, तो ये और ये पार्ट, ठीक है, समझना। तो एक ऑप्शन, सेकेंडरी ऑप्शन भी आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम लोग गए, यहाँ से हम लोग देखते हैं मेरे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ग्रो एंड ऑल दो थिंग, यहाँ पे मैं देखो चीज़ को दोस्तों एक बार देख लें भाई कहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस हैं। तो मॉडिफाई में गए, मॉडिफाई में आप देख रहे हैं अलाइन, यहाँ पे देख रहे हैं, तो अलाइन में चलते हैं यहाँ पे, अलाइन में आपका यहाँ पे क्या अलाइन ऑब्जेक्ट दिस वन, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। लास्ट सेलेक्टेड को ही आपको मैनेज करना है, तो लास्ट सेलेक्टेड, लास्ट कौन सा सेलेक्टेड है कैसे पता चलेगा, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकंड, अप्लाई कर दिया, आया, इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने, और इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे अप्लाई, इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने अप्लाई, आपके यहाँ पे काम बेटर हो जाएगा आपके यहाँ पे। जहाँ लगे कि बस चीज़ें थोड़ी सी ख़राब सी हो रही है, देखो अब यहाँ पे यूवीज़ कौन सा, ये यूवीज़ ख़राब हो तो डिलीट कर दो, है ना, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखना भाई यहाँ पे देखना, ये मैंने एच फॉर हाइट कर दिया, और यहाँ पे मैंने ये यूवी ख़राब है, ये डिलीट कर दिया। तो ये ऐसी प्रॉब्लम को भी आप फेस करोगे तो आप मैनेज करके दिखा सकते हो, एच फॉर हाइट ये है, डिलीट, ठीक है। पर्सपेक्टिव में गए, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले सो एंड ऑल, देख रहा है। तो अभी मैं इनको मैनेज करके दूँ तो मैं सभी यहाँ पे चीज़ें बेटर देखेगा, दिस वन ठीक है, एंड देन यहाँ पर आप बटन्स को ले लूँ, देखो मैं बटन्स के जो यूवीज़ हैं वो मेरे को अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता नज़र नहीं आने वाला यहाँ पे। तो आपको चीज़ों का हैंडल करना आना चाहिए, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया, एडिट में जाकर डिलीट हिस्ट्री कर दिया यहाँ पे, और शिफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, तो आप यहाँ पे चीज़ों को देखना चाहते हो आप देख सकते हो, भाई मुझे यहाँ पे कोई भी पैटर्न देना है तो मैंने अभी चीज़ों को लिया। अभी इनकी या तो स्मूथ के साथ यूवी लेना है, आप स्मूथ के बिना भी यूवी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये आप ऐसे भी यूवी स्नैपशॉट ले सकते हो, आप इसमें ले लो तो आपका काम हो जाएगा। आपको लगे कि नहीं मुझे स्मूथ के साथ लेना था, आप स्मूथ के साथ भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अप्लाई एंड क्लोज ओवरराइड कर दिया मैंने यहाँ पे, तो देन आप आपको यहाँ पे मिल जाएगा भाई मेरे पास यहाँ पे क्या है, क्लॉथ यूवीज देखो यहाँ पे, ओके। तो अगर आप इसको मैनेज कर दो तो ओपन विथ करो, आप यहाँ पे फोटोशॉप पे गए, अपडेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, वी प्रेस कर दिया, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक अंडर ये पैटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे। तो जो मेरे पास यहाँ पे यूवी था, ये यूवी देखना यहाँ पे, इसको डिलीट करो, इसमें मैंने यूवी कर दिया, यू एंड वी
क्योंकि मेरे पास एक पैटर्न देना है और देन इसको मैंने रखा है स्क्रीन कर दिया है ना यहाँ पे, स्क्रीन दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इतना जो पैटर्न है मेरे पास यहाँ पे, जिससे मैंने सिलेक्शन लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इतने पैटर्न को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लेसो पे गया, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट आई, इतने पैटर्न को मैंने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ देखना यहाँ पे। अब ये मैंने ऐड नहीं करना था, मुझे सबस्ट्रैक्ट ही करना, देखो यहाँ पे दिखा लो, देख लो यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट यहाँ पे देखो हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे करके भी आप मैनेज करके ये ऐसा कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा आपके यहाँ पे। अब इसमें कोई भी आपको कलर देना है, आपको भी एक पैटर्न जैसे मैंने यहाँ पे दिया, मेरे पास अगर मैं देखो वैसे इमेज है इसके अंदर, इमेज का ना सिंपल क्रीम कलर का ही जो बटन है आप यहाँ पे दे सकते हो आप यहाँ से। तो आपने यहाँ पे क्या किया, कलर आपने यहाँ से लिया, ठीक है, आप यहाँ पे सिंपल कलर डाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये यूवीज को सबसे ऊपर रखना है, यूवीज को आपको लॉक स्क्रीन कर देना है, स्क्रीन है यहाँ पर लॉक कर देना आपके यहाँ पे। तभी यहाँ पे चीज़ों का अगर मैं दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे चीज़ें बेटर देखेंगे आपके, ठीक है। यूवीज ऑफ कर दिया, सेव एज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जेपीजी मैंने कर दिया, तो जेपीजी मैंने यहाँ पे सर्टेन देखा सर्टेन पॉइंट, तो आपको बस यहाँ पे चीज़ें दिख जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। फाइल सेव एज, आप इसको पीएचडी में भी सेव करके दे सकते हैं आप, ठीक है। एस एच आई आर टी शर्ट एंड पैंट बैकअप में रहना चाहिए, ठीक है। बाकी आपके पास अनवांटेड चीज़ को आप हटा दो। अब जैसे मैंने यहाँ पे बम्प दिखाया, जो बम्प का भी तो सा पैटर्न आपको बताया था, जैसे मैंने बम्प दे रखा है यहाँ पे, ये अभी आप इसको डिवीजन मैंने वन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, वन कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे मैंने उठाया ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे बस क्या इस पर गए और इसके अंदर मैंने क्या लिया, यहाँ से मैं लेता हूँ शर्ट एंड पैंट, यहाँ पे पीएचडी जेपीजी यहाँ पे लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिक्स प्रेस कर दिया, तो मेरे से यहाँ पे पैटर्न अपने आप यहाँ पे देखिएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो जैसे आपको कुछ पैटर्न अलग देना है, स्टिचेस का आपका थोड़ा सा कलर आपको अलग देना है, आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो। देखें अभी यहाँ पे ये फेसेस, तो इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा आप और चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में देना चाहो। स्टिचेस है यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, देखें अभी तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बीफोर ब्रश हल्का सा, ये जो मैंने कलर ले रखा है इसका थोड़ा डार्क वर्जन लिया यहाँ पे, मैं इसमें थोड़ा सा पेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, ये थोड़ा सा पेंटिंग वाला काम भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। देखना यहाँ पे ये पेंटिंग मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ये पैटर्न आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेटर देखिएगा आपके यहाँ पे। यूज ऑफ कर दिया, कंट्रोल एस, फाइल सेव एज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर दूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ें अपडेट होंगी यहाँ पे, और देन आप यहाँ से चीज़ों को अपडेट करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट एंड देन आप यहाँ पे रिलोड इट, टेक्स्ट ऑन करो, देखना यहाँ पे। अब ये तो मैंने पैटर्न दिया यहाँ पे, अभी मेरे पास एक पैटर्न फेसेस देखना यहाँ पे। अब यहाँ से मैं पैटर्न दूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ें और अभी मैं बहुत ही बारीकी से जाके मैं करूँ, मैं यहाँ पे देखो देखना, अभी ये एजेस मेरे पास यहाँ पे, ये एजेस मेरे पास यहाँ पे, तो इन चीज़ों को मैं और यहाँ पे मैनेज करके दूँ। जैसा मैंने यहाँ पे या तो मैं पैटर्न का कलर ही चेंज करके दूँ तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट वी वॉन्ट, हमने यहाँ पे ऑन किया, ठीक है, ये मैंने इस पर अप्लाई किया है नहीं किया, पहले ये देख लो यहाँ पे शर्ट एंड पैंट, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा आप यहाँ पे, तो मैंने अप्लाई नहीं किया था, तो यहाँ पे देखना स्टार्ट, दूर से आपके यहाँ पे विजुअल भी हो जाएगा। कुछ चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करके दे देता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ टेक्निक चाहिए तो मैं चीज़ों को मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे कुछ रिंकल्स एंड ऑल दोस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम लोग टेक्स्चर ढूंढ के थोड़ा सा पैटर्न लोग मैनेज कर देंगे, बाकी बेसिक हमने चीज़ों को मैनेज कर दिया कि कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।